ओके तो कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर थर्ड, बेसिकली इट वाज लेक्चर थर्ड। नाउ वी हैव लेक्चर फोर, ठीक है। तो लेक्चर फोर इज बेसिकली रिलेटेड टू इंटरवार इकोनॉमी। इंटरवार इकोनॉमी, व्हाट इज बेसिकली इंटरवार इकोनॉमी? देखिए बेटा, वर्ल्ड वॉर वन, अगर आपको पूरा पता होगा तो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था 1914 में और एंड अप हो गया था ऑलमोस्ट 1918 में, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड, इट वाज बेसिकली स्टार्टेड इन 19 एंड 1939, इफ आई एम राइट। हाँ, 1939, 1939 टू 1944, 1945, सम में से 1945, ओके। तो ये, तो इन दो ईयर, इन दो वॉर्स के बीच में, इन दो वॉर्स के बीच में जो पीरियड है, जो टाइम है, टाइम बिटवीन दीज टू वॉर्स, उसी को बोलते हैं इंटर वॉर। उसी पीरियड को बोला जाता है इंटर वॉर पीरियड, इंटर वॉर, ठीक है। अच्छा, ये जो वक्त था ना, इन दो वॉर्स के बीच में जो ये टाइम था, ये दुनिया का बड़ी मुश्किल में गुजरा ये टाइम, ठीक है। इस टाइम दुनिया की हालत बहुत खराब थी, इकोनॉमी बेहद खराब थी, बेहद डाउन इकोनॉमी थी सबकी। तो बेसिकली हम यही चीज ऑब्जर्व करेंगे आज, इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमी की क्या हालत थी इस टाइम पे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने आखिर नुकसान कितना किया और सेकंड वर्ल्ड वॉर ने कितना नुकसान किया, दुनिया को कितना देखना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से और सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, ठीक है। ओके, सो लेट अस चेक कि क्या क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर वेर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पीरियड्स इन द हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में इससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पीरियड कोई नहीं था। इन दो पीरियड्स में, इन दो वक्तों में सबसे ज्यादा जो है ना, वो लॉस हुआ वर्ल्ड को। ओके, दिस इज अ पिक्चर विच हैज बीन टेकन फ्रॉम सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड ये जर्मन आर्मी है एंड दे आर सेलिब्रेटिंग ओवर सम विक्ट्री। किसी जंग में किसी पॉइंट पे इनको विक्ट्री मिली थी और दे आर सेलिब्रेटिंग, दिस इज देयर शिप एक्स्ट्रा, ओके। अब देखो, अगर मैं आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात बताऊं, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के ऑलमोस्ट 24 ये 24 लाख पीपल वर डेड इन सोवियत यूनियन, एंड चाइना के 22 लाख, जर्मनी के 88 लाख पीपल वर डाइड, पोलैंड के 5 लाख एंड 6,000 पीपल डेड, इसी तरह से इंडोनेशिया के 40 लाख लोग मर गए थे, जापान के तो बहुत सारे 31 लाख, इवन इंडिया के 2.5 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, और टोटल डेथ यहाँ पर काउंट किया जा सकता है। इट इज बेसिकली इफ यू काउंट 8 करोड़ एंड 5,000, 50,000, 50 लाख, 8 करोड़ एंड 50 लाख पीपल टोटल डेड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा नुकसान था सेकंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर बात करें, तो दिस इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूँ। रशियन एम्पायर 22 लाख पीपल वर डेड, जर्मन एम्पायर ऑलमोस्ट 2 लाख पीपल डेड, 20 लाख पीपल डेड, फ्रांस 14 लाख पीपल डेड, ऑस्ट्रिया हंगरी 14 लाख पीपल डेड, इस तरह से सिमिलरली सबसे कम डेथ पुर्तगाल में देखने को मिली थी 7,000, एंड वाउंडेड कितने लोग हुए, जख्मी कितने लोग इससे हुए, यहाँ पे देख सकते हो 49 लाख पीपल वर वाउंडेड इन रशियन एम्पायर, सिमिलरली पुर्तगाल में 13,000 पीपल वर वाउंडेड। और प्रिजनर्स कितने थे और मिसिंग कितने थे, जो ना गायब ही हो गए, जिनका कोई आता पाता नहीं निकला, फिर वो डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन से कि ऑलमोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में 8 करोड़ एंड 50,000 पीपल्स की डेथ हो गई थी, और सिमिलर नंबर वॉज इन केस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग यही था, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपको बोला कि कितने सारे डेथ्स हो गए थे इस पीरियड के दौरान इन दो वर्ल्ड वॉर्स में, ठीक। तो यू कैन सी कि लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज आर देयर, है ना। सो आखिर ये कॉमन सेंस की बात अगर समझी जाए, तो वॉर से तो आखिर कैजुअलिटीज होती ही है, ठीक है। दीज आर सम पिक्चर्स जो मैंने ली है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर से। यू कैन सी हाउ मेनी पीपल वर डेड, इवन आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एक ये बनाया गया है, मजार है, देखो कितने पीपल्स की यहाँ पे कबर है। इस तरह से लाइन बाय लाइन लोगों की डेथ हो गई थी फर्स्ट में भी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी, ठीक। तो काफी ट्रिमेंडियस लॉस था दुनिया में पूरा का पूरा।
ओके सो ये बेसिकली हुआ था फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ओके इसके बारे में अगर अगर वॉर्स के बारे में कहा जाए तो जंगों के बारे में तो प्लेटो का सबसे अच्छा विजन था कि ओनली द डेड हैज सीन द एंड ऑफ वॉर। ओके दिस वाज सेड बाय प्लेटो। प्लेटो वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड ए फिलोसोफर। उसने कहा था कि ओनली डेड हैज सीन द एंड ऑफ वॉर। वॉर में जो पार्टीज होती है ना, अगर मान लो ए और बी कंट्रीज आपस में वॉर पे हैं, ठीक है, तो याद रखना कि दोनों में से कोई विनर नहीं है, ठीक है, दोनों जीत कर भी हारते ही है, ठीक है, चाहे ये जीते या ये जीते, वॉर में जीत हार नहीं होती है, बल्कि वॉर में दोनों साइड्स का नुकसान होता है और बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर आप सोच लो कि इंसान जीत कर भी हार ही जाता है। ओके सो दिस इज बेसिकली सिचुएशन जो थी दो वॉर्स के दौरान, जो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये सिचुएशन थी, ठीक। ओके अब हमें इस पीरियड को स्टडी करना है जो इन दो वॉर्स के बिल्कुल बीच में आता है, ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी तो पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी, ठीक है, हर किसी जगह पे इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा चीजों के प्राइसेस गिर चुके थे, और चूंकि नुकसान भी काफी ज्यादा था इसलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा नहीं हो रहा था, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस नहीं हो पा रही थी किसी भी जगह पे, इसीलिए चीजों के प्राइस जो है वो बढ़ने लगे, ठीक। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हर किसी चीज का यूज किया गया जो मिला वो, मशीन गन्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी टैंक्स, आर्टिफिशियल क्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, एवरीथिंग वॉज यूज ड्यूरिंग दीज टू फर्स्ट दीज टू वॉर, एवरीथिंग। ओके इनफैक्ट यू नो नागासाकी एंड हिरोशिमा सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान के साथ हुआ, ठीक है, दैट वाज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ अ ग्रेट मिजरी फॉर दोस पीपल। ओके नाउ उसके बाद क्या होता है, तो इकॉनमी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ओके वन कैन नॉट इमेजिन के हाउ मेनी पीपल वर डेड, जैसे मैंने अभी आपको नंबर दिया तो इससे भी ज्यादा कुछ लोग काउंट करते हैं कि डेथ्स हो गई थी, ठीक है। तो इसमें लॉस हुआ था बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का ज्यादा, मेन कॉलोनीज, मेन एरियाज जो जिस पे उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था वो छूट गए थे, वो उनसे छिन गए थे, अब उनके पास ज्यादा टेरिटरीज बची नहीं थी, ज्यादा एरियाज बचे नहीं थे जिन पे उन्होंने कब्जा किया था। लेकिन इंडिया को इन्होंने पूरा पूरा इस्तेमाल किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी नुकसान हुआ ना, वो नुकसान ऑलमोस्ट इंडियन पीपल से ही लिया गया। अब बोलोगे इंडियन पीपल से कैसे लिया गया वो नुकसान, यहाँ पे जो टैक्स लगता था उस टैक्स को बढ़ा दिया गया, ब्रिटेन ने उस टैक्स को कंप्लीटली हाइक कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। पीजेंट्स जो जमींदार वगैरह थे उनको जो टैक्स देना पड़ता था वो बढ़ाया गया, ठीक है। इसी तरह से चीजों को महंगा, जब मैंने आपको कल भी कहा था अगर ये इंडिया है, ठीक है, इफ दिस इज इंडिया, ठीक, एंड दिस इज ब्रिटेन, तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिया से रॉ मेटेरियल ब्रिटेन ले जाया जाता है, ठीक, रॉ मेटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जाता है और ब्रिटेन से गुड्स, अच्छी अच्छी चीजें बनकर वापस लाया जाता है उसको, ठीक है, और इंडियन मार्केट में बेचा जाता है। इन चीजों को हाई प्राइस पर बेचा गया, बहुत ज्यादा हाईएस्ट प्राइस पर बेचा गया। अब जो भी पर्सन ब्रिटेन में ट्रेड करना चाहता था, तिजारत करना चाहता था, ठीक है, उस पर एक टैक्स लगता है, मैंने आपको बोला था कल, उसको बोलते इम्पोर्ट टैक्स, ठीक है, इम्पोर्ट टैक्स को बढ़ा दिया गया, ठीक है, यानी जो लोग यहाँ से जाके ब्रिटेन में अपनी चीजें बेचा करते थे उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्ट टैक्स देना पड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे उनको देने पड़ते थे ब्रिटिश सरकार को, ठीक। इस तरह से ब्रिटिश ने क्या किया, अपने पैसे जो उनको वॉर में नुकसान हो गए थे, जाया हो गए थे, वो पैसे उन्होंने क्या किए, धीरे धीरे करके इन्हीं इंडियन पीपल से लेने लगे वो पैसे, ठीक है, इन पे जुल्म और जबरदस्ती बढ़ने लगी। इनफैक्ट अगर समझा जाए तो ब्रिटेन के ऊपर काफी ज्यादा डेब्ट था, डेब्ट का मतलब ब्रिटेन के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था, और कर्जा ब्रिटेन ने कहाँ से लिया था, कर्जा ब्रिटेन ने सीधा लिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है, ब्रिटेन यूएस से कर्जा लेता था वॉर्स के दौरान, तो ब्रिटेन पर काफी ज्यादा बर्डन, काफी ज्यादा का कर्जा बढ़ चुका था, ठीक है। और इससे एक और चीज भी हुई बेटा, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फैक्ट्रीज तबाह हो गई, इंडस्ट्रीज खराब हो गई, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्लोजर हो गई, बंद हो गई बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस पीरियड में, तो ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है, और एग्रीकल्चर की तो हालत ही खराब हो गई, एग्रीकल्चरल चीजें जितनी भी प्रोड्यूस होती थी सारी की सारी चीजें जो है ना धीरे धीरे करके उनकी प्रोडक्शन कम होने लगी, ठीक है, क्योंकि हो इसके बाद। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर की, तो वीट प्रोडक्शन जो है ना वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में जो है डिक्लाइन हो गई, ईस्टर्न यूरोप में डिक्लाइन हो गई,
चीजों के जो प्राइसेस हैं वो गिर गए, रूरल इनकम गांव में जो लोग थे उनकी इनकम कम होने लगी, और फार्मर्स पर कर्जा बढ़ने लगा, ठीक है, क्योंकि हेवी टैक्स लगा रहे थे गवर्नमेंट उन पे, तो फार्मर्स पर कब्जा बढ़ने लगा, ये कर्जा बढ़ने लगा, ठीक। और इसमें सबसे ज्यादा फायदामंद यूनाइटेड स्टेट्स को साबित हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएस ने जितने भी लोन्स दिए थे, जिन जिन कंट्रीज को इन्होंने लोन्स दिए थे, सपोज इस कंट्री को इस तरह से, इस कंट्री को इसने लोन्स दिए थे, इस कंट्री को इसने लोन्स दिए थे, या इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज को, बहुत सारे बैंक्स को यूनाइटेड स्टेट ने लोन लोन दिया था, तो इन्होंने तुरंत एकदम से वो सारे लोन्स वापस मांगना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि देखो भाई, इकोनॉमी खराब है, इस टाइम पे हमें पैसे चाहिए, तो आप सारे लोग हमें पैसे वापस दे दो, जो भी हमने दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज बेचारे इनको कहीं से लाके पैसे देने लगे वापस यूनाइटेड स्टेट्स को, और यूनाइटेड स्टेट्स की डेवलपमेंट का मेन मतलब मोटिव यही माना जाता है कि उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स काफी ज्यादा डेवलप हो गया था। इट इज बिकॉज खाली इन्हीं लोगों के पास उस टाइम पे पैसे थे। इन्होंने जितना भी पैसा इन्होंने मार्केट में खर्च किया था, इन्होंने वो सब पैसे वापस ले लिए। इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी कंट्रीज गरीबी में चली गई, और बहुत सारे बैंक्स ऐसे थे जो बिल्कुल बंद हो गए, जो बिल्कुल खराब हो गए। और यूनाइटेड स्टेट्स की मैं अगर बात करूँ ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में लास्ट पे, एंड पे पार्टिसिपेट किया था, एंड पे आखिर पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो इनको ज्यादा नुकसान नहीं देखना पड़ा, ठीक है। इनफैक्ट दीज पीपल वर डिक्लेयर टू बी विनर्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, अगर माना जाए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के विनर यही थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आखिर पर पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने दुनिया को धमकी दी थी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन वगैरह है, ठीक है, तो इस वजह से। और यही यूएस की प्रॉस्पेरिटी, यही पीरियड था, यही वक्त था जब यूएस की प्रॉस्पेरिटी का राज सामने आया कि ये लोग तरक्की कैसे कर रहे हैं, आखिर वजह यही थी, इस पीरियड, यही पीरियड इनकी जो तरक्की का है मेन राज माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। ओके, नाउ मूविंग टू सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, नाउ वी हैव अ टॉपिक विच इज ग्रेट डिप्रेशन। इसको कहा जाता है बेटा हिस्ट्री में ग्रेट डिप्रेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट डिप्रेशन किसको कहते हैं, बेसिकली ये पीरियड स्टार्ट हुआ था 1929 से और 1930 के मिडल तक, मतलब ये 1929 में स्टार्ट हुआ था, 1929 1929 में स्टार्ट हुआ था, और लगभग पूरे 1.5 साल तक, या 1 साल तक आप कह सकते, 1.5 साल तक, 1930 1930 के मिडल तक, मतलब जून तक ही चला था ये पीरियड, ठीक है। इस पीरियड में हुआ क्या था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इस टाइम में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा खत्म हो गई, इनकम लोगों के पास नहीं थे, ट्रेड खत्म हो गया, सब कुछ, सब कुछ, बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स वगैरह सब बंद हो गए, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमीज खत्म हो गई, ठीक है, या और भी जो इकोनॉमीज वर्ल्ड की थी वर्स्ट अफेक्टेड इकोनॉमीज, उनमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। एग्रीकल्चर में जितनी भी चीजें थी उनके दाम गिरने लगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइसेस गिरने लगे, ठीक है, कुछ भी चीज इस टाइम में स्टेबल नहीं थी, एवरीथिंग वॉज डिस्टर्बड, हर कोई चीज इस पीरियड में डिस्टर्बड थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक, ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था उस टाइम पे। अच्छा, और क्या हुआ इस ग्रेट डिप्रेशन में वो जानते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने अभी आपको बोला, जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ ना, जब ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ और दुनिया को लगने लगा कि अब क्राइसिस आने वाले हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ने जितने भी लोन दिए थे लोगों को सब वापस विड्रॉ कर लिए, और इससे दुनिया पर काफी ज्यादा गलत असर, खराब असर पड़ा। सिवरल बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स ऐसे थे जो फेल हो गए, बहुत सारी करेंसीज कोलैप्स हो गई, ठीक है। इनफैक्ट इसमें आता है ब्रिटिश का, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, उनके पैसों का वैल्यू तो जीरो बटा सन्नाटा हो गया, मतलब बहुत ही कम ब्रिटिश का पैसा, ब्रिटिश के वैल्यूज हो गए उनके पैसों के, ठीक है। लेटिन अमेरिका में एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल के प्राइसेस डिक्लाइन हो गए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ना, अब अपनी इकोनॉमी को, समझो, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने सबसे पहले सारे लोगों से विड्रॉ कर लिए पैसे, जितना भी लोन दिया था सब वापस ले लिया, और इम्पोर्ट ड्यूटीज को डबल कर दिया, कहा कि जो भी हमारे यहाँ पे ट्रेड करने आएगा, तिजारत करने आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम उनसे डबल टैक्स लेंगे, जितना अभी हम ले रहे थे उससे डबल टैक्स हम लेंगे उनसे, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी उस टाइम पे, ठीक। ओके, वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा, यूएस सबको कहता है कि मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन वक्त आने पे किसी का साथ ये नहीं देते हैं, ठीक है। आप इंडिया की एग्जांपल ले लो, इस टाइम पे क्राइसिस पे हमेशा इन्होंने कहा है इंडिया को कि आप हमारे गुड फ्रेंड हो, अब हम हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है,
लेकिन इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो वैक्सीन बनाने के लिए दवाइयाँ चीजें लगती हैं वो यूएस से ही आती हैं, ठीक है, इन्होंने देने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि अभी हमें अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हम आपको ये दवाई बनाने के लिए चीजें नहीं दे सकते, ठीक है। और इंडिया में मेजर प्रॉब्लम ये भी है इस टाइम पे कि यहाँ पे वैक्सीन बनाने के लिए अभी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है जो यूएस से आती थी, अब यूएस नहीं दे रहा है उन दवाइयों को, ठीक है। ओके, सो ये तो हमेशा मतलब इनको माना जा सकता है कि ये धोखेबाज लोग ही हैं हमेशा, ऑलवेज। ओके, इस तरह से यूएस ने डोमेस्टिक लैंडिंग करना बंद कर दिया। डोमेस्टिक लैंडिंग का मतलब होता है लोन देना बंद कर दिया, ठीक है, इवन अपने लोगों को ये, इसने बैंक लोन उसको देना बंद कर दिया, ठीक है, किसी को बैंक लोन नहीं देते थे। फार्मर्स फेल हो गए, उनको जो हार्वेस्ट निकला था, जो भी चीजें उनको निकल रही थी, हार्वेस्ट जो निकल रहा था वो बेच नहीं पा रहे थे, घर के घर तबाह हो गए, बिजनेसेस कोलैप्स हो गए, और इसी पीरियड को हम लोग ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। इट वाज अ पीरियड ऑफ सोशल डिप्रेशन, पॉलिटिकल डिप्रेशन, इवन इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत सारी कंट्रीज के खराब भी हो गए, ठीक है। तो आप ये चीज आप समझ लो कि ये पीरियड जो था ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक वर्स्ट पीरियड साबित हुआ इस पीरियड में बहुत ज्यादा, ठीक है। ये मतलब मैं बोलूँ इंटरवॉर पीरियड तो सारा खराब ही था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड 1929 से लेके 1930 तक जो पीरियड था, इट वाज द वर्स्ट हिट, ये सबसे ज्यादा खराब पीरियड साबित होता है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। ओके, सो नाउ उसके बाद देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें, ठीक। ओके, सेकंड वर्ल्ड वॉर की मैं अगर बात करूं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर आपको पता होना चाहिए, इट वॉज फाउट बिटवीन टू ब्लॉक्स, वन वॉज एक्सिस पावर एंड अनदर वॉज एलियड पावर। एक्सिस पावर में JIG, जापान, इटली एंड जर्मनी आता है, ठीक है, वाल एज एलियड पावर में जर्मनी, यू ना, ऑस्ट्रिया हंगरी एक्स्ट्रा कंट्रीज, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन, या ना, ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस, जो है फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, एलियड पावर्स इनको कहा जाता है। ये चार एक साइड पे थे, और JIG, जापान, इटली और जर्मनी एक साइड पे थे। वर्ल्ड वार 6 साल तक चला, और इसमें कम से कम 60 मिलियन, 60 मिलियन का मतलब आप समझते हो 60 मिलियन पीपल्स की डेथ हो गई। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, ओके, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, मतलब यू कैन काउंट इसमें ऑलमोस्ट 8.5 लाख, जैसे मैं अभी बोल रहा था आपको, 8.5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई इसमें, ठीक है, और मिलियंस इंजर्ड पीपल का तो नंबर ही नहीं है कि कितने सारे लोग इंजर्ड हो गए, ठीक है। तो उस टाइम पे भी एक ही कंट्री ने अपना इकोनॉमी बचाया उस टाइम पे, एंड दैट वाज यूएस, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 1945 की मैं बात बोल रहा हूँ, 1945, तो कंट्रीज ने अब डिसाइड किया कि अब से कोई वर्ल्ड वॉर नहीं, ठीक है, और कंट्रीज की हालत को सुधारने के लिए यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी फंड, मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस रखी गई, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन में, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 में रखी गई, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। एक जगह है ब्रिटन वुड, वहीं पे न्यू हेम्सफेयर यूएसए में, ठीक है, वहां पर एक मीटिंग बुलाई गई, वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया गया, और उनको पूछा गया कि अब आप मशवरा दो किस तरह से हम वर्ल्ड इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पे ला सकते हैं, किस तरह से हम दुनिया को हेल्प कर सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी को हेल्प कर सकते हैं फिर से वापस ट्रैक पर लाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए यहाँ पे वर्ल्ड में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया गया। वन इज कॉल्ड एज IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, ठीक है, एक फंड कायम किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के जरिए, ठीक है। IMF का काम क्या था, IMF का काम ये था कि ये कंट्रीज को शॉर्ट टर्म लोन दे, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1-2 महीने के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन दे, ये कंट्री को शॉर्ट टर्म लोन देता है, बहुत ही कम लोन, ये ना, सॉरी, बहुत ही कम टाइम के लिए शॉर्ट टर्म लोन देता है, ठीक है, ताकि कंट्री में मेन डेवलपमेंट का काम किया जाए क्विक, है ना। इंडिया ने IMF से लोन लिया था 1990s में, बेटा 1990s में इंडिया ने IMF से लोन लिया था कुछ टाइम के लिए, जब यहाँ पे डिप्रेशन आ गया था, जब इकोनॉमी बहुत खराब हालत में चल रही थी, ठीक है। इस तरह से एक और ऑर्गेनाइजेशन, तो IMF का वजूद उसी टाइम पे आया है ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी को सुधारा जा सके, ठीक है, और एक चीज का वजूद आया उस टाइम पे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से आज जानते हैं, वर्ल्ड बैंक, ये भी बनाया गया। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, वर्ल्ड बैंक का काम ये भी यही है, ये भी लोन देते हैं, ठीक है, इनका काम भी लोन देना है, लेकिन इनका काम लोन देना है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म लोन IMF देता है, ठीक है,
इनका काम यह है कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री को बहुत सारे पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 30-40 इयर्स के लिए ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इस लोन से एक शर्त ये रखी जाती है कि आप खाली डेवलपमेंट का काम करोगे, ठीक है, इस लोन का हिसाब भी देना पड़ता है भाई कि हमने कौन कौन सा डेवलपमेंट का काम किया है, ठीक है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बोथ इंडिया, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज ने, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन से, IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों से कर्जा लेके रखा हुआ है। इनफैक्ट पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान ने तो और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज बन जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्या किया गया। दो इम्पॉर्टेंट ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी वर्ल्ड बैंक को सेटअप किया गया, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठे बोला जाता था ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों को बोला जाता था ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस और समटाइम्स ब्रिटन वुड टिविन्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की वो, ये US में एक जगह है ब्रिटन वुड, वहीं पर इनका वजूद किया गया था, वहीं बोला गया था कि इनको वजूद, इनको बनाएंगे, ठीक है, इसीलिए दे आर समटाइम्स कॉल्ड एज ब्रिटन वुड टिविन्स ऑल्सो। ओके, सो कीप दीज फैक्ट्स इन द माइंड, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसी तरह से एक और चीज भी हुई इसी पीरियड में, वो ये कि जो भी पहले तो IMF का वजूद, ठीक है, अब आप समझ लो, पहले IMF की स्थापना, IMF बनाया गया, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक भी बनाया गया साथ में, ठीक है, और ये भी कहा गया कि वेस्टर्न पावर्स हमेशा, आज से वेस्टर्न पावर्स डिसीजन लेंगे। वेस्टर्न पावर्स में US आता है, और वेस्टर्न पावर्स में जो 5 मेंबर है ना, 5 मेंबर जो है उनके, ये जो ये ना UN सिक्योरिटी काउंसिल के, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स हैं, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, वो 5 मेंबर्स, अब आज से इन्होंने कहा कि आज से दुनिया के मेजर फैसले यही लिया करेंगे, यही 5 पावर्स लिया करेंगे, ठीक है। वेस्टर्न जो रूलर्स हैं उनके हाथ में पावर दिया गया, ठीक है। US में तो इन 5 मेंबर्स को वीटो पावर दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है, ये आपको पता है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, वीटो पावर होता है इनके पास। वीटो पावर मतलब ये किसी भी डिसीजन का अपोजिशन कर सकते हैं, ये 5, ठीक है कि नहीं, है ना। इस तरह से ब्रिटन वुड सिस्टम कायम किया गया, जो मैंने बोला अभी, IMF और वर्ल्ड बैंक, फिक्सड एक्सचेंज रेट्स रखी गई कि मतलब लोन कितने परसेंट इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, वो फिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यह है कि बहुत सारी कंट्रीज ने ब्रिटन वुड सिस्टम का फायदा उठाया, उनसे लोन लिया, ठीक है, और अपनी हालत को सुधारा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारी कंट्रीज को लोन दिया, ठीक है, जिससे उनके अंदर स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगी थी आफ्टर दिस पीरियड, ठीक है कि नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी ट्रेड लाइन पे आने आने लगी थी, ठीक है। ओके, समझिए मेरी बात। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्वाइट एनफ फॉर टुडे, विल डिस्कस मोर इनशाला इन टुमारोज लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग मोर। सर।